तालाबों का शहर कहे जाने वाले दरभंगा में अब सभी लोग बेहतरीन वोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। जी हां, आज यानी बुधवार को शहर के लोकप्रिय तालाब डिक्की तालाब में नौका विहार का उद्घाटन किया गया है, जहां अब अन्य महानगरों के तर्ज पर दरभंगा में भी वोटिंग का आप लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं आज दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, महापौर अंजुमारा, महापौर नाजिया हसन, यवनगर विधायक संजय सरावगी ने नौका विहार का उद्घाटन किया। वहीं आपको बताते चले कि आप सभी अब नौका विहार का लुत्फ महज 4 तरह के दर के देकर कर सकते हैं। वहीं 20 मिनट पेंडल वोट के लिए 50 रुपया निर्धारित किया गया है और 20 मिनट सिकारा वोट राइड के लिए 350 रुपये प्रति। वहीं संपूर्ण तालाब राइड का 300 तथा स्पीड तालाब राइड का 150 रखा गया है। आगे देखिए इस मौके पर नगर विधायक सहित लोगों ने क्या सब कहा। और देश विदेश में और बिहार में भी अन्य जगह चला रही है, बहुत अच्छी बात है। क्या ये तालाब आज मोटरबोट चालू हुआ है, अधिकतम मोटरबोट है। शहर के सभी लोगों को, जिले के सभी लोगों को आकर इसका लाभ लेना चाहिए। और तीनों तालाबों का जो बात है, 168 करोड़ का DPR मेरे ही प्रयास से बेंगलोर की एजेंसी ने बनाया था, लेकिन अभी तक भी लगातार प्रयास के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार इसका घोषणा किए, लेकिन अभी तक उस DPR को स्वीकृति नहीं मिली। पिछली बार जो समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री आए थे, तो मेरे द्वारा फिर से दबाव उस बैठक में बनाया गया था, तो मात्र उसके बाद 2.5-3 करोड़ रुपया तीनों तालाब में दिया गया। उससे इस तालाब का कुछ नहीं हो सकता है। वो 168 करोड़ का जो DPR मैंने बनवाया था, बिहार सरकार के निर्णय से बेंगलोर की एजेंसी आके बनाई थी, जब तक उसकी स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक इन तालाबों का जो 2.5-2.5 करोड़ में क्या होने वाला है, कहीं घाट बन जाएगा, कहीं पाथवे बन जाएगा। उससे जो हम लोग का जो उद्देश्य है, जो दरभंगा के लोगों का उद्देश्य है, इसका पूरा उड़ाहीकरण करके, डिसविटरिंग करके, या फिर से जो अच्छा और भव्य दिखे, इसलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, आज जो दरभंगा में ये आधुनिकतम हैं, जिसमें मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वार्ड पार्षद हैं, और दरभंगा जिले के सभी नागरिक को विशेष शुभकामना देना चाहूँगा। दरभंगा शहर को विशेष करके तालाबों का शहर माना जाता है। नॉर्थ बिहार में दरभंगा ज़िले में बहुत बड़े बड़े तालाब हैं, जिसमें हराही, दिघी, गंगा सागर, ये सब महत्वपूर्ण हैं। उसमें से आज शुरुआत किया गया है वाटर स्पोर्ट्स का, वो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। और जो पर्यटन का यहाँ का मापदंड है, उस मानचित्र पर दरभंगा को एक विशेष पहचान मिलेगी। अच्छा सर, जो 3 तालाब की सौंदर्यीकरण की बात कई वर्षों से हो रही है, क्या उस पर भी कोई योजना है? निश्चित रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको प्राथमिकता पे लिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तालाबों के सौंदर्यीकरण की योजना को अप्रूवल भी मिला है, उस पर नगर निगम कार्य कर। जी, यहाँ पे जो सिस्टम एक दरभंगा के लिए जो एक नई चीज़ यहाँ पे आई है, एक तरह का जो हम लोग जो गोवा वगैरह में जाके एडवेंचर किया करते थे जेस्की का, स्पीड बोट राइड का, अब हमें वो दरभंगा में ही करने को मिलेगा, जहाँ हमें मुंबई और गोवा पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा इसके लिए। और एक तरह का नया एक्सपीरियंस मिलेगा लोगों को यहाँ पे, एट ए टाइम हम 20 से 22 लोगों को यहाँ पे राइड करवा सकते हैं। यहाँ पे स्पीड बोट है, जेस्की राइड है, जो कश्मीरों में जो शिकारा बोट चलती है नैनीताल वगैरह में, वो शिकारा बोट हमने यहाँ लाया हुआ है, शिकारा बोट है। यहाँ पे पैडल बोट वगैरह जो कॉमन हर जगह चलता है, वो पैडल बोट है। यहाँ पे चार्ज क्या है? चार्ज इसका बहुत ही कम से कम मिनिमम रखा गया है, प्रति व्यक्ति 50 रुपये से लेके 300 रुपये तक का प्रति व्यक्ति का चार्ज है। अलग अलग बोर्ड का, हर एक बोर्ड का अलग अलग चार्ज है इसमें। इसके सीट में भी बढ़ोतरी होगी क्या? जी बिल्कुल, देखते हुए जैसा रिस्पांस है, कैसा रहा दरभंगा का, कैसा रिस्पांस रहा लोगों का हमें, तो उसी हिसाब से हम इसकी बढ़ोतरी भी करेंगे बोर्ड की, जितना हो सके पॉसिबल हो। एक बार में कितने समय तक घुमा जा सकता है? एक बार में सर देखिए, जो अलग अलग तरह का बोर्ड है, अलग तरह की स्पीड है उनकी, आप 5 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक का जो हर एक बोर्ड का अलग अलग राउंड होगा इसमें। इसमें सीसीटीवी कैमरा और लाइट की व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे की सुरक्षा के लिए सर हमारे पास वेल ट्रेंड लाइफ गार्ड है यहाँ पे। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।